अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 15 अगस्त को आजादी के 75 साल पूरे होने पर महोत्सव को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रांत सह संयोजक अनिल ठाकुर ने कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। हमीरपुर जिला में इस अभियान के तहत 450 गांव और बिलासपुर जिला के 400 गांवों में तिरंगा फहराया जाएगा। वहीं इन कार्यक्रमों के दौरान कोई भी राजनीतिक व्यक्ति मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल नहीं हो और मुख्य अतिथि के तौर पर गांव के ही किसी पूर्व सैनिक या सामान्य व्यक्ति को मुख्य अतिथि बनाया जाएगा। प्रांत सह संयोजक अनिल ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा 15 अगस्त को होने वाले कार्यक्रमों के लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि हमीरपुर और बिलासपुर जिला में टीमें गठित करके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूरे देश में 1,00,000 गांव में तिरंगा फहराने का निर्णय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लिया है, जिसके तहत हिमाचल प्रांत में 7,500 जगहों पर तिरंगा फहराया जाएगा। अनिल ठाकुर ने बताया कि 25 जुलाई को हमीरपुर जिला की बैठक का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें हमीरपुर के 45 और बिलासपुर जिला के 40 गणनायक हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल वीरभूमि है और यहाँ से बहुत से लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान दिया है, इसलिए विद्यार्थी परिषद ने हर गांव में तिरंगा फहराने का निर्णय लिया है। जो है 15 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के 7500 गांवों में जो है विद्यार्थी परिषद जो है आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पे जो है इस महोत्सव को बनाएगी और यह महोत्सव गाँव तक बनना चाहिए, इसलिए विद्यार्थी परिषद ने इस बार संकल्प लिया है। ऐसे देश भर में विद्यार्थी परिषद का एक व्यापक आंदोलन है, जिसमें पूरे देश में 1,00,000 गांव तक जो है विद्यार्थी परिषद पहुंचेगी। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में 7500 गांव तथा जिसमें हिमाचल प्रदेश के इस विद्यार्थी परिषद की दृष्टि से इस विभाग हमीरपुर में, जिसमें हमीरपुर जिला के अंदर 450 गांव तथा बिलासपुर जिला के 400 गांव तक विद्यार्थी परिषद पहुंचेगी और उन गांवों में तिरंगा फहराएगी। जिसमें हम हमीरपुर की बात करें, हमीरपुर जिला के अंदर जिन 450 गांव में विद्यार्थी परिषद तिरंगा फहराएगी, उसके लिए विद्यार्थी परिषद ने जिला स्तर पर जो है गठनायकों की जो है रचना की है। इसी प्रकार यह रचना बिलासपुर जिला के अंदर भी रहेगी और उन गठनायकों के नीचे हमने प्रमुख तथा सह प्रमुखों की रचना की है, जिनको एक एक गाँव में उन्होंने उस दिन सुबह 10 बजे में एक प्रांत का निश्चित किया गया है, जिसमें 10 बजे ही पूरे हिमाचल प्रांत के 4500 गांव में जो है तिरंगा फहराया जाएगा। सुबह 10 बजे यह तिरंगा फहराया जाएगा। इसमें विशेष बात यह रही है कि विद्यार्थी परिषद ने राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को इस कार्यक्रम में इस बार मुख्य अतिथि नहीं बनाया है। इसमें ये कार्यक्रम जो है एक आम समाज का है, एक आम नागरिकों का है, इसलिए समाज के जो लोग हैं, जिसमें पूर्व सैनिक हैं, समाज सेवी हैं, उस गांव के प्रधान या कुछ ऐसे लोग जो हैं इस ध्वजारोहण में जो है मुख्य अतिथि रहेंगे। इसमें कोई भी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है अपना मुख्य अतिथि रहेगा। अभी अपनी 25 जुलाई को जो है विभाग बैठक होगी, जिसमें हमीरपुर के 45 गठनायक, बिलासपुर जिला के 40 गठनायक, घुमारमी पे विभाग की बैठक होगी, उस पर पूरे विभाग की योजना फिर से बनेगी, किस तरह हम इसको गांव तक पहुंचाएं। उसके बाद अपने इधर हिमाचल प्रदेश की जो समिति है उसकी एक बैठक जो है 8 जो है अगस्त को होगी, जो पूरे हिमाचल की जो समिति बनी है इस अभियान को लेकर, उसकी बैठक यहाँ पर हमीरपुर पर होगी, जिसमें जिला प्रमुख और अन्य जो है दायित्ववान कार्यकर्ता भी होंगे, ताकि इस अभियान को जो है हम गाँव तक पहुँचा सकें। हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वीरभूमि है, यहाँ से भी बहुत से अनेकों लोगों ने इस आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया है, लेकिन हम देखते हैं किताबों में हमें कहीं उनके जिक्र नहीं मिलता। तो विद्यार्थी परिषद ने इस बार ठाना है हर गांव में हमें तिरंगा फहराना है।